दोनों तीनों एंगल से पीछे से चेहरा नहीं है, एक मिनट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक लड़का जो है ना मेरे को छेड़ता है, उसका नाम शिवा है। वो जब भी स्कूल जाते हो तब भी बदतमीजी करता है, जब स्कूल से आते हो तब भी बदतमीजी करता है। और कल उन लोगों ने हमारे घर पे ईंट पत्थर भी बरसाए थे, कह रहे थे अगर घर को बताया ना तो पेरेंट्स से। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? बताया था, फिर उन लोगों ने पापा जी के हाथ पैर छू के माफी उफी मांगी, फिर उन्होंने कल परसों फिर बदतमीजी करी थी। कल उन्होंने ईंट पत्थर बरसाया। टीचर को बताया आपने? तो फिर यहाँ पे आप लोग कैसे आए? यहाँ से पैसों का कलेक्शन करा था ना, तो वहाँ से। टीचर को भी बताया? नहीं, सोचा कि घर में मामला शांत हो जाएगा फिर। अच्छा, आपको ये जो आइडिया है एसएसपी मैम से मिलने का, ये कैसे मिला? वो दीदी के बारे में रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसमें से मिला था। क्या सोचा आपने? सबने मिलकर सोचा कि दीदी के पास ही चलेंगे, फिर पूछा, इधर उधर पूछा, फिर आ गए। एड्रेस मालूम था आपको? यहाँ का पूछ पाछ का है। ये तीन बच्चे आए थे और दो भाई एक बहन, तीनों ही माइनर हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कासमपुर पहाड़ी मंदिर थाना कंकरखेड़ा के रहने वाले हैं। और इन्होंने बताया इन्होंने कि जो उनकी सिस्टर हैं जो क्लास 9th में पढ़ती हैं, उनको कोई पड़ोस का लड़का है जो उनको छेड़खानी करता है, तो उसी के संबंध में मैंने एसओ को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उनके पेरेंट्स को हम लोग संपर्क करके यदि वो मुकदमा लिखाना चाहें तो हम लोग मुकदमा लिखाएंगे, नहीं लिखाना चाहते तब भी हम लोग जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है उनको हम लोग मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनको पकड़ के एक बार इसकी जांच कर लें, और आरोप यदि सही हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।